दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों है कैनन 200D मार्क II 80% क्रिएटर का फर्स्ट चॉइस। मतलब कि 80% जो क्रिएटर होते हैं वो दोस्तों पहली बार कैनन 200D मार्क II DSLR को परचेस करते हैं। क्या क्या इसमें फीचर्स दिए जाते हैं दोस्तों कि उन क्रिएटर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 20% जो क्रिएटर होते हैं दोस्तों वो अदर कैमरा को चॉइस करते हैं, मतलब कि 3000D या फिर 1500D, लेकिन थोड़ा सा उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों 80% क्रिएटर जो हैं वो इसी कैमरे को पसंद करते हैं और इसी कैमरे को बाय करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसा फीचर्स बताएंगे जो कि इस कैमरे के अंदर दिया गया है, और वही 10 ऐसा फीचर्स जो है दोस्तों जिनको देखते हुए 80% क्रिएटर इस कैमरे को बाय करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो हाँ दोस्तों, इसी कैमरे से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो दोस्तों चैनल पर विजिट करके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। और इस कैमरे को दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हो दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, और बहुत ज़्यादा इस वीडियो में मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों एक एक फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। 10 ऐसा फीचर्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा कैनन 200D मार्क II DSLR, और इधर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लेंस यूज़ कर रहा हूँ, 18-55 किट लेंस है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर इस कैमरे को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इधर देख सकते हो कैमरे का लुक कुछ इस तरह से आता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है इसका लुक है। और इसके बाद हम फ्लैश की बात करें तो यहाँ पर हमें फ्लैश देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों हम एक एक करके बात कर लेते हैं इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन कौन सा है इसमें टेक्नोलॉजी है। तो हम सबसे पहले फीचर्स के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला फीचर्स है दोस्तों ड्यूअल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी का, मतलब कि दोस्तों जब हम इस कैमरे से हम किसी वीडियो को शूट करते हैं या फिर किसी फ़ोटो को कैप्चर करते हैं तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक बहुत ही तेज़ी से हमारे सब्जेक्ट को फोकस कर लेगा। इसके लिए दोस्तों हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये दोस्तों हमारा मोड ऑटोमेटिक मोड में लगा हुआ है तो दोस्तों बहुत ही तेज़ी से ये हमारे सब्जेक्ट को फोकस करेगा, और दोस्तों हम चाहें तो तुरंत क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक दोस्तों प्लस पॉइंट हो जाता है इस कैमरे को लेकर के। ज़्यादातर दोस्तों जो क्रिएटर होते हैं इस चीज़ को ढूंढते रहते हैं, चाहे हम फोटोग्राफी में देखें या फिर वीडियोग्राफी में, दोस्तों फोकस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों वीडियो का स्टेबलाइजर, मतलब कि दोस्तों इसके लेंस में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक स्टेबलाइजर का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि दोस्तों हम अगर कोई वीडियो शूट करते हैं चलते हुए, अगर ब्लॉग वीडियो शूट करते हैं तो ये हमारे वीडियो को स्टेबलाइज करते रहेगा। मतलब कि दोस्तों जब हम कोई ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने इस कैमरे से तो ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा ज़मीन और आसमान हिल रहा है। मतलब कि दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो शूट करके देखिएगा, क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पर हमें दिखता है कि अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर दौड़ते हैं तो हमें लगता है कि पूरा का पीछे का बैकग्राउंड ही हिल रहा है। लेकिन इस कैमरे से अगर हम कोई ब्लॉग वीडियो शूट करते हैं तो ऐसा कोई भी फील नहीं होगा, मतलब कि दोस्तों पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत तेज़ी से नहीं हिलेगा, मतलब कि वीडियो को स्टेबलाइज करते रहेगा। तीसरे फैसिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा चीज़ ये है कि आपका यहाँ पर जो डिस्प्ले है आप इधर देख सकते हो, इसको हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ये कुछ डिस्प्ले इस तरह से रहता है, लेकिन दोस्तों अगर हम वीडियो इसका जो डिस्प्ले है इसको हम आसानी से रोटेट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम कोई वीडियो शूट करते हैं कुछ इस तरह से तो हमें दिखते रहेगा सामने से जो हमें यहाँ पर नज़र आते रहेगा। चलिए हम थोड़ा सा कैमरा ऑन करके हम आपको दिखा देते हैं। तो जिस दोस्तों आप इधर देख सकते हो जो भी वीडियो रिकॉर्ड होती हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आते रहती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं है तो हमें खुद ब खुद वीडियो को समझना पड़ता है दोस्तों, कि अगर हम दोस्तों खुद ब खुद कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि हमारा वीडियो जो है वो किस तरह से आ रहा है, कैसा शूट हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये फोल्डेबल डिस्प्ले मिलने के कारण हमारा जो वीडियो है वो अच्छी तरह से समझ में आता है कि किस तरह से हमारा वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम चौथे पॉइंट्स के बारे में। चौथा पॉइंट है दोस्तों इसका बैटरी बैकअप। अगर दोस्तों हम वीडियो की बात करें तो हम एक घंटा के आसपास में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कंटिन्यू कैमरे से बहुत ही आसानी से। फोटोग्राफी की बात करें दोस्तों तो हम फोटो 1000 से ज़्यादा शॉट्स ले सकते हैं अपने इस कैमरे से, तो बैटरी बैकअप भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाँचवें पॉइंट के बारे में। तो पाँचवा पॉइंट है दोस्तों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी।
दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियोग्राफी में दोस्तों ऑटो फोकस का और वीडियो स्टेबलाइजर का, तो ऑटो फोकस में तो मैंने पहले ही बारे में बता दिया है दोस्तों कि इसमें ड्यूअल ऑटो फोकस का टेक्नोलॉजी है। अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से ये ऑटो फोकस करेगा और सब्जेक्ट को हमारे एडजस्ट करेगा। पीछे में भी ब्लर इफेक्ट हम अच्छे से लगा सकते हैं। अगर दोस्तों हम इस कैमरे से ब्लर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ब्लर इफेक्ट देखने को हमें मिल जाता है। चाहे तो दोस्तों हम ब्लर इफेक्ट नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस यहाँ पर लेंस के पास में भी हमें एडजस्ट करने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें तो ऑटो फोकस यहाँ से ऑटोमेटिक सेट कर दें तब भी ये एडजस्ट हो सकता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो फोटोग्राफी में भी दोस्तों हम ब्लर इफेक्ट बहुत ही अच्छा से देखने को मिल जाता है इस कैमरे में, और साथ ही साथ दोस्तों हम और भी अच्छा अपने फ़ोटोज़ में अपने लाइव वीडियो में इफ़ेक्ट लगा सकते हैं इस कैमरे के माध्यम से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम छठे पॉइंट्स के बारे में, तो छठा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों। इस कैमरे में हमें मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी। अगर हम चाहें तो दोस्तों 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरे से, और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम चाहें तो यहाँ पर 60fps में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको नहीं पता है 60fps और 4K वीडियो, तो हम इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें मैनुअल मोड में जाना होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओके वाले बटन पर प्रेस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए भी ऑप्शन इस कैमरे में दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फुल HD में दोस्तों 60fps में भी हम चाहें तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको स्लो मोशन वीडियो की ज़रूरत है तो आप आसानी से दोस्तों 60fps में वीडियो रिकॉर्ड करके उसको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया है, जो कि आमतौर पर देखा जाए तो दोस्तों बहुत से कैमरे में 60fps हमें देखने को नहीं मिलता है। सातवें पॉइंट्स हमें यहाँ पर दोस्तों एक्सटर्नली हम यहाँ पर चाहें तो माइक को लगा सकते हैं। आमतौर पर अगर देखें दोस्तों तो बहुत से कैमरे में एक्सटर्नली माइक हमें लगाने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया रहता है, तो इसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है दोस्तों। अगर माइक लगाने का ऑप्शन नहीं रहता है हमारे कैमरे में तो हमें दोस्तों अलग से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है और अलग से दोस्तों ऑडियो भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि इसमें दोस्तों हम माइक लगा के एक साथ में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आठवां पॉइंट ये है दोस्तों कि हम इस कैमरे से डायरेक्टली दोस्तों हम फोटोज़ या फिर वीडियोज़ अगर चाहें तो वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर PC में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि अपने फ़ोन से वाईफाई से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो अपने कैमरा के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है दोस्तों। नौवा पॉइंट आता है दोस्तों ब्लॉगिंग। इस कैमरे से दोस्तों हम ब्लॉगिंग भी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा इसमें मुझे दिक्कत ये होता है, इस कैमरे का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर किट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं 18-55mm, तो बहुत से लोग हैं जो कि इस लेंस को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए दोस्तों वो 50mm लेंस को यूज़ करते हैं, तो इससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है वो लेंस, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता होगा। लेकिन ये कैमरा का थोड़ा सा वेट मुझे ज़्यादा लगता है, इसीलिए दोस्तों मैं ब्लॉगिंग इस कैमरे से नहीं करता हूँ। बहुत से क्रिएटर जो हैं वो ब्लॉगिंग इस कैमरे से करते हैं। हालांकि दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए भी अगर आप चाहें तो एक्सटर्नली 50mm का लेंस ले सकते हो दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे। तो ब्लॉगिंग में थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम नज़र आता है, थोड़ा सा हमें ये हैवी लगता है, इसीलिए ब्लॉगिंग दोस्तों हम इससे नहीं शूट कर पाते हैं। दसवां पॉइंट ये है दोस्तों कि हम इस कैमरे से मैक्सिमम जूम निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हम किट लेंस की बात करें तो किट लेंस में भी दोस्तों हम अच्छा खासा जूम देखने को मिल जाता है इस कैमरे से। हालांकि दोस्तों मैंने इस कैमरे के साथ दो लेंस को परचेस किया था, एक है 18-55, दूसरा है 55-250। इसके लिए भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है अपने चैनल पर कि हम कितना ज़्यादा जूम कर सकते हैं और कितना हमें ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है जब हम इस लेंस के साथ जूम करते हैं। तो जूम पावर भी बहुत अच्छा है दोस्तों, और जूमिंग के साथ साथ दोस्तों हमें ब्लर इफेक्ट भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे कैनन 200D मार्क II का एक छोटा सा रिव्यू, और मैंने आपको बता दिया कि क्यों 80% जो क्रिएटर होते हैं वो इस कैमरे को बाय करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें।